मेरे सारे भाइयों और बहनों, मेरे सारे फॉलोवर्स, सारी भारत की जनता, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री राम। दोस्तों, हम निकल पड़े एक सफ़र पे। सफ़र जैसे जो अपना इंडिया का मैप होता है उसमें ऊपर की साइड ये जो कारगिल वगैरह का एरिया है सारा, लेह लद्दाख का, ये सारा हम कवर करेंगे। मैं आपको एक बार रूट बता देता हूँ कैसे कैसे हम निकलेंगे। चंडीगढ़, चंडीगढ़ से अमृतसर, अमृतसर से हम निकलेंगे फिर जम्मू, पटनी टॉप, अनंतनाग, पुलवामा, श्रीनगर। जी हाँ, पुलवामा से होते हुए श्रीनगर, श्रीनगर से फिर हम निकलेंगे सोनमार्ग, सोनमार्ग से द्रास, द्रास से फिर हम पहुँचेंगे कारगिल, कारगिल से फिर नुब्रा वैली, नुब्रा वैली से फिर लेह, और लेह तो आप सभी को पता है कितना फेमस है अपने पूरी दुनिया के अंदर। लेह से फिर हम निकलेंगे पेंगोंग लेक की तरफ। जी हाँ, पेंगोंग लेक बड़ी फेमस है अपने। पेंगोंग लेक पे आपको जैसे भी पता है 3 इडियट्स की शूटिंग भी हुई थी लास्ट में। और पेंगोंग लेक से फिर हम निकलेंगे सरचू, सरचू से मनाली, मनाली से शिमला, शिमला से फिर अपना वापस चंडीगढ़। तो जैसे हम एक यू टर्न टाइप मार के आएंगे पूरा अपने जो भारत का ताज है ऊपर जम्मू कश्मीर वाला, वहाँ पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में ज़्यादातर आपको रोड्स दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे कि कैसा कैसा रास्ता हमने देखा रास्ते में, लैंडस्केप कितने बढ़िया बढ़िया देखने को मिले, और पहाड़ की चोटियाँ तो आप देखते जा रहे हो जैसे कि वीडियो में साथ में। मतलब रोड कितने ख़तरनाक हैं अपने, मैं आपको ये दिखाता हूँ कितने ख़तरनाक भी हैं। कुछ रोड बहुत ज़्यादा सुनसान भी हैं, कुछ रोड बहुत ज़्यादा मक्खन जैसे भी हैं, बहुत बढ़िया रोड हैं, और कुछ एक तो ऐसे हैं मतलब साइड से कोई एक बाइक भी नहीं जा सकती, वो हम आपको दिखाएंगे। तो रोड कितने ख़तरनाक हैं आप ये चीज़ नोटिस करना इस वीडियो के अंदर। ये देखो कितना पतला रोड है ये, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है इतने पहने पहने पत्थर हैं, तो नीचे गिरेगा ना तो बचेगा ही नहीं। मतलब सेफ्टी वगैरह तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाई है बिल्कुल साइड में, बहुत पतले पतले रोड है भाई। ये जो मनाली शिमला वाला रास्ता है ना, ये तो बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है इन रास्तों के मुकाबले, क्योंकि ये तो वर्ल्ड के ख़तरनाक रोड में से आता है ना ये सारे रोड। तो आप रास्ते में देखते रहना कैसे कैसे रोड हैं, ये यूँ नहीं है सारे ख़राब हैं, कुछ एक रोड बहुत बढ़िया भी हैं, बढ़िया बढ़िया रोड भी आते हैं बीच में। ये चेक करो पहाड़, मतलब पत्थर के पहाड़ भी, पूरे काले रंग के पहाड़ भी देखने को मिले, पूरे पेड़ों से भरे हुए पहाड़ भी, हरे भरे पहाड़ भी देखने को मिले। अब जैसे पत्थर वाले पहाड़ हैं बिल्कुल ख़तरनाक। रास्ते में हम आपको दिखाएंगे POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये भी मैं आपको अगली वीडियोस में दिखाऊंगा। बिल्कुल पास से, बिल्कुल ऐसे लगेगा बिल्कुल ही पास में है POK, ऐसी वीडियोस भी मैं डालूंगा अपने पेज पे। तो आप जुड़ते रहना मेरे साथ, सब्सक्राइब करना पक्का चैनल को। ये देखो कितने ख़राब रोड हैं, और आप ये चीज़ नोटिस करना दूर दूर तक कोई दूसरी गाड़ी देखने को ही नहीं मिलेगी आपको कई जगह पर। तो कोई गाड़ी बहुत देर में कोई एक आधी गाड़ी क्रॉस होएगी, ऐसे ऐसे रोड भी हैं। इस वीडियो में मेनली आपको रोड्स दिखाए जाएंगे कि कैसे कैसे रास्ते से हम गुजरे, और अगली जो मैं वीडियोस डालूंगा वहाँ पे हमने जो जो एक्टिविटीज़ की वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर आपको रास्ता दिखाया जाएगा ख़तरनाक सा। ये चेक करो भाई, ये एक्चुअली यहाँ पर है ना, बिल्कुल सामने मैं आपको दिखाऊँगा POK बिल्कुल पास से, पाकिस्तानों के वाइड कश्मीर। ये देखो भाई, है ना ख़तरनाक, जन्नत है भाई, जन्नत है। और ये देखो, ये एक जैसे रोड है, मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ पे जो रोड हैं आर्मी के अंडर में आते हैं, मतलब आर्मी ही इनको बनाती है और आर्मी इनकी देख रेख करती है। और ये देखो कितने, कई रोड अच्छे भी हैं, यूँ नहीं है सारे ख़राब हैं, कुछ रे अच्छे भी रोड आती हैं बीच में अपने। अब जैसे ये देखो, अब ये थोड़ा पहाड़ है ना, ये बिल्कुल पत्थर वाला नहीं है, इस पर थोड़ा ये काई सी है, क्या होती है ये, हरा हरा सा पहाड़ है थोड़ा, बिल्कुल ग्रीन पहाड़ भी आएंगे।
ये सारे रोड अपने लेह लद्दाख के हैं, मतलब लद्दाख के हैं ये मेनली, लेह तो अलग हो गया ना। ये देखो ये अपने हरे भरे पहाड़ आ गए, मतलब बहुत सारे टाइप के पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में, अलग अलग टाइप के पहाड़। ये मेरे फ्रेंड की कार है। अब जैसे यहाँ पे बिल्कुल ग्रीन पहाड़ है ये हरे भरे, और ये देखने में दोस्तों आपको पहाड़ बहुत ऐसे लग रहे होंगे छोटे छोटे पहाड़ हैं, लेकिन ये बहुत बड़े पहाड़ हैं। अब ये पहाड़ देखो ये कैसे हैं, है ना, जैसे प्लेन प्लेन से बिल्कुल चिकने चिकने से पहाड़ हैं ये बिल्कुल। ये देखो कई टाइप के पहाड़ में देखने को मिले। ये देखो ये पहाड़ चेक करो, ये कैसे पहाड़ हैं, ऐसे लग रहे जैसे क्ले के पहाड़ बनाए हुए हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। और हमने देखा, और ये देखो मैं आपको पहले बताता हूँ, ये एक जगह है बिल्कुल यहाँ पे पीओ के बिल्कुल पास में दिखाई देता है, बिल्कुल साइड में जगह ही नहीं है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। मुझे सनरूफ से निकलना पड़ा साइड में रास्ता बताने के लिए मेरे दोस्त को। अब ये साइड सामने से बाइक आ रही है ना, अब इस बाइक का भी रास्ता नहीं बचेगा। ये देखो ये थोड़ा डेंजरस सा पॉइंट आया है यहाँ पर, अब बाइक देखना कितनी मुश्किल से निकलेगी हमारे साइड में से, ऊंचाई है बहुत ज़्यादा यार। ये बाइक वालों की हिम्मत है कैसे आ जाते हैं यार इतनी दूर। अब ये देखना बाइक की भी जगह नहीं है निकलने की, ऐसे ऐसे रास्ते भी आते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है सभी को, लेकिन पैशन है भाई इनका, इनको शौक़ होता है बाइक की, मतलब दूर दूर निकल जाते हैं बाइक ले लेके। सिंगल भी आते हैं, दो तीन बाइक वाले भी आते हैं, 25-30 बाइक वाले भी आते हैं। ये देखो मतलब बिल्कुल ही रास्ता नहीं है निकलने का। हाँ ये बात है, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर आप प्लान बनाते हो यहाँ कहीं आने का, तो आपका ड्राइवर जो है, जो आपका दोस्त होगा जो गाड़ी चलाएगा या जो आप ड्राइवर करके लेके आओगे, तो वो थोड़ा एक्सपर्ट होना चाहिए गाड़ियों का, उसको अच्छे से ड्राइविंग आनी चाहिए थोड़ी। कोई सिख दड़ का काम तो यहाँ पर है ही नहीं बिल्कुल भी। ये देखो यहाँ पर कोई मेरे जैसा होता ना सिख दड़ ड्राइवर, नुकसान करवा लेता गाड़ी का। बहुत ख़तरनाक रोड है तो देखो, और ये बड़ी मुश्किल से निकलेगी गाड़ी। ये दोस्तों वीडियो है नुब्रा वैली की ओर जाते हुए, नुब्रा वैली हम जा रहे थे तो रास्ते में ये सीन आया था। देखो मतलब सनरूफ से निकल के वीडियो बनाई है ना, तो बहुत अच्छी वीडियो बन गई। ये चेक करो भाई, अब ये हम जा रहे हैं, ये थोड़ा मेरे को इंक्वायरी करनी पड़ेगी इसके बारे में। एक लास्ट विलेज ऑफ इंडिया आता है ये, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, उसके बाद से फिर प्रॉपर पाकिस्तान पीओ के शुरू हो जाता है। ये वहाँ की वीडियो है, ये भी बड़ा ख़राब रास्ता था भाई, बहुत ख़राब रास्ता था ये, बहुत ख़तरनाक रास्ता था। और ये जो साइड में आप देख रहे हो ये जो पानी चल रहा है अपने, ये पूरी जैसे जलधारा है सीधा पाकिस्तान के अंदर जाती है ये आगे, और इतना ठंडा पानी है उसका, मतलब ये जो अपने यहाँ होता है ना पानी हरिद्वार में या यहाँ पे अपने मनाली साइड जो पानी है भाई, वो तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता लगा लो, ये वाला तो बिल्कुल ही बर्फ़ जैसा पानी होता है, बिल्कुल ही बर्फ़ जैसा, क्योंकि ये डायरेक्ट ही बर्फ़ से निकलता है ना, पहाड़ की चोटियों पे बर्फ़ होती है, सीधा वहीं से आता है। आप एक बार साइड में गहराई देखो, ये हम जा रहे हैं खरडुंगला टॉप की तरफ, वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट था ये, तो उसके बाद तो अब ये सेकंड हाईएस्ट हो गया शायद, उसके बाद तो एक उससे ऊपर भी पॉइंट बन गया जिसका नाम है उमिंगला। वहाँ पे जाने के लिए आर्मी की परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन आप खरडुंगला जा सकते हो। खरडुंगला हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट था अभी तक का, लेकिन अब इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया उमिंगला ने। ये रास्ता जा रहा है अपना खरडुंगला की तरफ, जो सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल रोड बन गया अब, उमिंगला ने इसको हरा दिया। उमिंगला तो भाई बहुत ऊपर है, वहाँ पर तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उमिंगला तो बहुत ही ख़तरनाक है रास्ता ही बहुत खतर। अब यही रास्ता देखो ना कितना ख़तरनाक है, देखो
और बाइकर्स जाते हैं बहुत स्पीड में जाते हैं यहाँ से। भाई मेरे से तो ना चला जाए बाइक वाइक पे, कमर की ऐसी तैसी हो जाए बिल्कुल ही, गाड़ी में थक जाता है यार आदमी। और भाई एक और सलाह है, किसी भाई के अस्थमा हो ना वो तो बिल्कुल ही मत आना यहाँ पे, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है यहाँ पे बिल्कुल ही। ये हम खरडुंगला की तरफ जा रहे हैं, खरडुंगला की भी मैं वीडियो डालूँगा, अगली वीडियो खरडुंगला की डालते हैं, आप देखना खरडुंगला टॉप। और ये रास्ता है भाई, हम जा रहे हैं पेंगोंग लेक की तरफ, यहाँ पेंगोंग लेक जाने वाला रास्ता है ये, बिल्कुल ही सुनहर रास्ता, कुछ भी नहीं यहाँ पे रास्ते में, मतलब आपको इस रोड पे कोई व्हीकल दिखेगा ही नहीं बिल्कुल। हमें टेंशन हो रही थी गाड़ी पंचर हो जाए और कोई बात हो जाए तो किससे मदद मांगेंगे, किससे क्या होएगा, तो ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता था, कोई व्हीकल नहीं दिखेगा आपको दूर दूर तक, शांति शांति बिल्कुल, मतलब यूं डर लगा रहता है कोई गाड़ी में दिक्कत हो जाए कुछ ऐसा हो जाए तो, कोई है ही नहीं मदद करने वाला। कई कई देर में एक आधी गाड़ी टपती है कोई साइड में से। ये पेंगोंग लेक की तरफ जा रहे थे हम, मतलब रोड के ऊपर बजरियाँ पड़ी है बहुत ज़्यादा, गाड़ी स्लिप कभी भी हो सकती है, तो आपका ड्राइवर बहुत अच्छा होना चाहिए इस चीज़ के अंदर। ये सारे रोड्स जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अपना भारत का जो ऊपर है ना पार्ट सारा, लद्दाख रीजन का, कारगिल रीजन का, ये सारा सोनमार्ग, पहलगाम, द्रास वगैरह, ये सभी यही रोड हैं ये सारे, मतलब है तो जन्नत ही बिल्कुल ही, बिल्कुल ही जन्नत है यार, सच में इसको जन्नत नाम बिल्कुल सही दिया गया है। और ये जो साइड में पानी है ना, हमारी शर्त लगी थी इसके अंदर, पानी के अंदर है ना 2 मिनट तक पैर डुबो के बैठने हैं। भाई साहब लगता तो ऐसे है 2 मिनट आप पैर डुबो सकते हो, लेकिन नहीं भाई नहीं, 1 मिनट में पैर जम जाते हैं बिल्कुल, बाहर निकालना ही पड़ता है। तो जैसे हरिद्वार के पानी में तो आप, गंगा के पानी में तो आप नहा भी सकते हो अच्छे से, तो अपने सारे नहाते ही हैं, लेकिन आप इस पानी में नहीं नहा सकते बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल ही बर्फ़ है यार, बिल्कुल ही बर्फ़, बहुत ठंडा पानी है भाई। हरिद्वार में मैं भी नहाया हूँ बहुत बार वहाँ पे, हाँ एक बार ठंड लगती है बाद में ठीक हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो भाई जमा ही देता है सब कुछ ये। और हम इतने ऊंचे पॉइंट पे हैं यहाँ पे, सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है बहुत ज़्यादा, मतलब कि सांस भी नहीं ले पाते यहाँ पे लोग, यहाँ पे ऊपर खरडुंगला टॉप के ऊपर ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ पे हैं, कैंप लगे हुए हैं, आर्मी वालों ने लगा रखे हैं, जिसको ज़्यादा दिक्कत हो जाती है वो वहाँ पे जैसे मास्क पहन के ऑक्सीजन लेता है, मतलब लड़कियों के अंदर बहुत दिक्कत आती है ये वाली, क्योंकि वो थक जाते हैं, लड़कों में भी आती है, ऐसा नहीं है लड़कों में ना आती हो, लड़कों में भी बहुत दिक्कत आती है। तो ये बिल्कुल टॉप की जगह है, ये टॉप की जैसे मतलब हाइट के अंदर, सी लेवल से बड़ी ऊँचाई है यहाँ की। आपने अभी तक एक भी गाड़ी नहीं देखी होगी बिल्कुल इस वाले रास्ते पे, कोई गाड़ी है ही नहीं, कोई बाइक वाला भी नहीं दिख रहा यहाँ पे। हाँ हमने दूर दूर वो देखी थी पहाड़ों के ऊपर जो बकरियाँ सी है ना, पता नहीं क्या नमक चाटती हैं क्या चाटती हैं वहाँ पे, वो खड़ी रहती हैं ऊपर पहाड़ों के बिल्कुल एज पे, पता नहीं कैसे खड़ी रह जाती हैं यार। और ये रास्ता देखो, ये रास्ता है कारगिल से लेके, नहीं 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 कारगिल से नहीं, ये रास्ता है जम्मू से लेके श्रीनगर तक का, यहाँ पे बिल्कुल आर्मी का काफिला चलता है आगे पीछे, और फिर सिक्योरिटी पर्पज़ है थोड़ा इनका, तो सिक्योरिटी रीजंस हैं इस वजह से आर्मी लेके जाती है यहाँ पे। ये देखो ये बाइकर्स हैं भाई, हिम्मत है भाई इनकी सच में, कैसे आते हैं यार, इनकी कमर नहीं टूटती यार, कमाल है भाई। 50-50 इकट्ठे बाइकर्स, कोई कोई तो सोलो, और हमने एक चीज़ देखी कोई कोई तो स्केट्स पे, कोई साइकिल पे, ऐसे ऐसे लोग भी हैं भाई यहाँ पे, कोई साइकिल पे दुखी हो रहा है, कोई स्केटिंग करता हुआ दुखी हो रहा है यहाँ पे, बताओ कोई पैदल ही चल रहा है यहाँ पे भाई, ये रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं शायद, मुझे तो ऐसा लगता है। तो ये डल लेक है दोस्तों, लास्ट में मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ डल लेक का। तो अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि
की क्या क्या हमने एक्टिविटी की। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। अगली वीडियो में मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में दोबारा मिलते हैं।